हेलो स्टूडेंट्स, आज 29 दिसंबर 2018 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वे सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, नई दिल्ली में शिलान्यास किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। दिल्ली में यमुना नदी के संरक्षण के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ये परियोजनाएं शुरू की गई है। नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, साथ साथ में और भी मंत्री हैं, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्री। ठीक है, दोनों मंत्रालय का प्रभार इन्हीं के पास है। अब हम बात करेंगे नई दिल्ली के बारे में। दिल्ली का सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा दिल्ली का मैप। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाकर 30वां नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से 31वां नंबर पर है। ठीक है, दो राज्यों से सीमा टच करती है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट की संख्या 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। जिलों की संख्या कुल 11 है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है 86.21%, और यहाँ का लिंग अनुपात है 868 यानी 1000 पुरुषों पर 868 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को फेडेक्स एक्सप्रेस का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, यानी प्रेसिडेंट और सीईओ बने हैं? कौन? राजेश सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। फेडेक्स जो कंपनी है यह एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कुरियर कंपनी है। राजेश सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में फेडेक्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं, लेकिन ये जो नया पदभार है 1 जनवरी 2019 से संभालेंगे। फेडेक्स की स्थापना 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मेम्फिस यूनाइटेड स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर को किस मंत्रालय ने प्रशासनिक हैंडबुक जारी किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। यह हैंडबुक टेलीफोन डायरेक्टरी और डायरी का मिश्रण है जिसमें मंत्रालय और मीडिया इकाइयों के सभी अधिकारियों के संपर्क विवरण मौजूद हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? राज्य मंत्री जिसका स्वतंत्र प्रभार है राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास। अन्य भी ऑप्शन में मंत्रालय दिख रहे हैं, उसके मंत्री कौन है ये जानिए। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी, गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर को 3 तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को किसने पारित कर दिया? तो किसने पारित कर दिया है? लोकसभा ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोकसभा जो है संसद का निचला सदन होता है, तो इसने पारित कर दिया है। अब यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा अगर राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो। यह विधेयक तत्काल 3 तलाक की सभी घोषणाओं को अवैध बनाता है तथा इसके लिए इसमें 3 वर्ष की कैद का भी प्रावधान है। अब यहाँ पे हम लोग लोकसभा के बारे में जानेंगे। संसद जो होता है उसमें उच्च सदन होता है राज्यसभा और निचला सदन होता है लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम सीट जो हो सकता है 552 हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सीटों की संख्या 545 है और इसमें से 2 सीट जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में कुल 12 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सीट। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? अंबिका प्रसाद पांडा को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इससे पहले ये SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में वित्त निदेशक थे
और इन्हें 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। SECL जो है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। SECL की स्थापना हुई थी 1985 में, यानी 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर को कहाँ पर 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन किया गया, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने इसका उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। 26वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जा रहा है भुवनेश्वर में ही, जो 27 दिसंबर को शुरू हुआ था, उसे भी नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी। इस वर्ष का विषय भी है, क्या विषय है? डिजिटल युग में मानव भविष्य, यही इसका थीम है यानी विषय। भुवनेश्वर कहाँ पर है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के बारे में जानेंगे, सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा ओडिशा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा राज्य है, और 4 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश। गठन कब हुआ था ओडिशा का? 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 147, जिलों की संख्या 30 है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट है 72.87%। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है 979। मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सत्येंद्र झवेरी। लोक नृत्य है ओडिसी तथा घुमुरा। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा नेशनल पार्क, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा लखारी वैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। बांध के बारे में बात करें तो हीराकुंड डैम महानदी पर है, मंदिरा डैम शंख नदी पर है, रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण के अनुसार कौन सी कंपनी 2017-18 में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी है? तो कौन सी कंपनी है ये? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे है नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड और चौथे नंबर पे है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो लाभ कमाने में ये 4 टॉप कंपनियां हैं। बात करें सबसे ज्यादा घाटा किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को हुआ है 2017-18 में? BSNL को। और घाटे में दूसरे नंबर पे है एयर इंडिया और तीसरे नंबर पे है MTNL। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 को स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है संजीव सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को 4,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भूटान को देगा 4,500 करोड़ रुपए भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 27 दिसंबर को ही आए थे, 29 दिसंबर तक भारत में रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा है, इसी बीच समझौता किया गया है, उसी में 4,500 करोड़ रुपये का समझौता किया है भारत ने भूटान के साथ, जो भूटान को देगा। भूटान में 12वीं 5 वर्षीय योजना के लिए भारत इतनी राशि प्रदान कर रहा है भूटान को। अब हम भूटान के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैप देखिए। इस मैप में ये जानना जरूरी है भूटान जो है भारत की कितने राज्यों को टच करता है। ये है भूटान, इसकी राजधानी थिम्पू है। और भारत की किन किन राज्यों को टच करती है इसकी सीमा? एक तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, यानी 4 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। यहाँ की करेंसी का नाम है भूटानी नुगुलट्रम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान मिशन 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका।
इस मिशन पर कुल खर्च 10,000 करोड़ ही आ रहा था, जिसकी पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इस मिशन के तहत भारत 2022 में 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजेगा, ठीक है, जो कि कम से कम 7 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इस मिशन के लिए सहयोगी राष्ट्र कौन कौन से हैं? रूस और फ्रांस है, ध्यान में रखिएगा। और इस मिशन की अध्यक्षता इसरो की पूर्व महिला वैज्ञानिक वी आर लली थम्बिका करेंगी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पेजेंट 2018 में किसने मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता है? किसने जीता है? दिव्या पाटीदार जोशी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये कहाँ के रहने वाली हैं? दिव्या पाटीदार जोशी मध्य प्रदेश की रतलाम की रहने वाली हैं, ठीक है। इन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब जीत लिया है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको नोट करके चलना है। इसी वर्ष 2018 में मिस इंडिया कौन बना, मिस वर्ल्ड कौन बना और मिस यूनिवर्स कौन बना? नोट कर लीजिए, मिस इंडिया 2018 की बनी है अनुकृति वास, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2018 बनी है वानेसा पॉन्स और ये मेक्सिको का रहने वाली है। इसी के साथ ये मेक्सिको की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी है? कैट्रियोना ग्रे और ये फिलीपींस की रहने वाली है। और इस तरह से फिलीपींस की ये चौथी महिला बन गई है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने 1 जनवरी 2019 से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ट्रांसजेंडर को रेल किराए में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है? 40% की छूट दिया जाएगा इनके रेल किराए में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इसी के साथ मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मेल एक्सप्रेस, दुरंतो तथा राजधानी एक्सप्रेस में लोअर बर्थ बढ़ाने की भी घोषणा की है। तो 40% का छूट दिया जाएगा ट्रांसजेंडरों को रेल किराए में, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे रेलवे का बात चला है, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो जानेंगे। इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 को। यहाँ पे ध्यान रखिए, 8 मई 1845 को स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार भारत में जो रेल चला था 1853 में चला था। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और 1853 में चला था रेल किन दो स्टेशनों के बीच में? मुंबई तथा ठाणे के बीच में चला था। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अश्विनी लोहानी है। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है? आईआईटी रुड़की ने बनाया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह सिस्टम जो है 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके का पता लगाते ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे 1 मिनट पहले पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे भूकंप का बात चल रहा है, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में रिपीट करते रहता है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ उसे कहा जाता है, ठीक है। आईआईटी रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में। प्रेजेंट टाइम में आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं अजीत चतुर्वेदी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसे मोहम्मद रफ़ी अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया? तो इनमें से ऊषा टिमोथी को सम्मानित किया गया है। सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, ऑप्शन बी सही था। दूसरा क्वेश्चन था, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था, बिहार सही उत्तर था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, 27 दिसंबर से 12 दिवसीय प्रसिद्ध दिविजिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार असम की साक्षरता दर कितनी है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए। जो लोग नए हैं, डेली वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।